ऊपर कौन से फ्लावर लगते? अभी जी मुझमें फ्लावर्स नहीं लगते, फ्रूट्स लगते, फ्रूट्स, प्रेम के फ्रूट्स। प्रेम का खरबूजा लगता मुझमें, प्रेम का तरबूज लगता, प्रेम का चीकू लगता, प्रेम का केला लगता। हाय दिया, ये ऐसे कैसे अबॉर्डम जैसा बातें कर रहे हैं आप? एक ही पेड़ में इतने तरह तरह के फ्रूट तो ना ही लग सकते हैं, एक ही तरह का फ्रूट लगता है। ये तो आप साइंस के इन लॉज के खिलाफ जा रहे हैं। अभी जी साइंस का कोई सास ससुर नहीं होता, साला साली नहीं होता। आप कहना चाह रही हैं साइंस के लॉज के खिलाफ जा रहा हूँ। सही पकड़े हैं। That's right, भाभी जी। Actually क्या है, जब आदमी प्यार में अंधा होता है ना, तो साइंस के लॉज क्या, दुनिया के खिलाफ जाता है। जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन में होने चाहिए भाभी जी, आई थिंक यू डिजर्व इट, यू शुड से यस। आपको यस बोल देना चाहिए, कम ऑन से यस। भाभी माँ, मुझे लगता है कि आप बहुत ही पवित्र चेयर वुमन बन सकती हैं। Yes? आप औरतों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती हैं भाभी माँ। प्लीज भाभी जी, हाँ बोल दीजिए ना। हाय दिया, अच्छा ठीक बा ठीक बा, आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो हम बन जाते हैं अ चीयर लीडर। भाभी जी वो चीयर लीडर नहीं, वो चीयर वुमन होता है। सही पकड़े हैं। की जरूरत नहीं, एक धीरे से ऐसे कंचा फेंक के मारेंगे ना, तो वहीं का वहीं धाराशाही हो जाएगा। सही बात है, लेकिन अभी तो मुझे तुम दोनों के अंदर रावण दिखाई दे रहा है। श्रीमान मनमोहन तिवारी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये जो आपने फैसला लिया है ना, ये पैसे के लिए लिया है, जो आप दोनों के अंदर के लालच को दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि आप दोनों कितने नीच, घटिया और गिरे हुए इंसान है। बस भैया बस, अब आज रुला के ही मानेंगे क्या? अरे दफा हो जाए यहाँ से, एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम डोनेशन के नाम पे। हमारी बीवी को बरगलाया आप लोगों ने। ये क्या कह रहे तिवारी भैया आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अहिलो अम्मा जी, अब नाम कर रहे हैं। कर समझा? जी अम्मा जी। अच्छा बेटी, हम फोन रखते हैं। अब सुनो, देखो हमारी जो बहुरिया है ना, वो अलग है, भोली भाली और सीधी अंगूरी है हमारी है। और वो जो कमेटी की मैडम है, वो एकदम समझदार, स्मार्ट और स्ट्रिक्ट है। तो किसी भी हाल में जो है, दोनों एक ना होने पाए, समझी बिटिया? ठीक बा अम्मा जी, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हाँ, खुश रह खुश रह। अरे अम्मा, चाय अकेले अकेले पियोगी क्या? अरे आप भी पीजिए, लीजिए। तो ठीक है, बचपन में डॉक्टर डॉक्टर बहुत खेलता था, और जो तेरे साथ के लोग थे उन्हें ही सुई लगाता रहता था। लिटिल नॉटी बॉय। फिर मम्मी, फिर तेरे एग्जाम हुए, फिर और एग्जाम के नंबर देख कर ना, मैंने सोचा कि भाई तू तो कंपाउंडर बनने लायक भी नहीं है। अच्छा हुआ खचेड़ू तू डॉक्टर नहीं बना। क्यों मम्मी? बाय, बहुत लोगों की जान बचाई है तूने। हेलो हीरोइन आंटी। भाभी जी इनका नाम हीरोइन आंटी नहीं, इनका नाम हेलेन आंटी है। ओह चंदा, गुड, चंदा इज गुड, चंदा इज गुड। नो, बड़ा जरूरी है कम्युनिटी में सोशल एंड यू नो इस तरह कल्चरल एक्टिविटीज होना। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट दिस। मम्मी लौंडो को तो 101 रुपए। युवती भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी गली के पीछे जो छोटी सी पान की दुकान है ना, 101 रुपए तो उसने दिए। यार मैंने बात अभी खत्म नहीं की है, मैंने कहा 101 में 200 के दो नोट जोड़ के दे दो लौंडों को, बात खत्म हुई, 501 हो गया। इतने तो धोबी ने दे दिए। तो कोई बात नहीं, हम 500 और ऐड कर देंगे, 1001 कर देते हैं, और क्या यार। हाँ अपना काम बन गया। मतलब ये कि मैं आपसे 52,000 लूंगा, उनको दूंगा, उनसे तीर लूंगा और रावण को मारूंगा। सिंपल। ऐसा है, वो पैसे ना मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखे। अबे कितनी बार बुढ़ी होगी, एक बार हो चुकी हो। मैंने तेरे को कितनी बार कहा बुढ़ी मुझे मत बोलना। और वैसे भी खुद कमाओ भाई, और जहां जाके मर्जी तीर चलाते फिर। अबे पैसे ढीले नहीं करोगे? लेकिन बिल्कुल नहीं, गांठ की ना बड़ी पक्की हो तुम। भगवान ऐसी मॉम सबको दे, ताकि सब सफर करे मेरी तरह।
चाहिए, आपको रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रामायण की कहानी है क्या। कमाल कर रहे सक्सेना भैया, हमने ना रामायण दो बार देखे टीवी पे। कुछ भी सवाल पूछ लो, सर जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, पूछेंगे, पर ऐसा है कि अभी हम कमेटी मेंबर्स को कुछ और काम है तो इसलिए अभी नहीं पूछेंगे। आपको एक दिन का टाइम देता हूँ, अच्छे से तैयारी कर लो, कल तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, मंजूर? हाँ बिल्कुल मंजूर। और सक्सेना जी आप देखना, रामलीला के बारे में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी ना पता, स्टेज के आगे की भी स्टेज के पीछे की भी। वाले पुरुष हैं, और ये बात भी सही है कि भले ही वो कच्छा बनियान बेचते हैं लेकिन कछु काम धंधा करते हैं। और आप सारे मोहल्ले में नल्ले के नाम से पहचाने जाते हैं, सारा मोहल्ला आपको नल्ला नल्ला बुलाता है। आप ही बताइए कि हमारी दशहरा कमेटी आपको ई तीर मारने का काम कैसे दे सकती है। मैडम आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं मेरे मुंह पे। नहीं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं मिस्टर भरभूति, बाकी आप देख लीजिए। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। हम तो ई सोच सोच कर खुश हैं कि आप तीर चलाते हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे। हाँ ये सब तुम्हारी नजरें इनायत है बगली। आलेटी की भैया आपको पता नहीं है कि आप हमारी नजरों में कितने खास हैं। हाँ अब ऐसे तो आपका शकल उतना अच्छा नहीं है। हमरा मतलब है एक बार हमारी नजरों से देखिए। पता नहीं कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता पगली कि हम तुम्हारे लिए गुड़ खाएं या जहर खा के मर जाएं। हाय दिया, मरे आपके दुश्मन। हाँ आपको हमरा भी उम्र लग जाए। फिर बदतमीजी करा दो। तेरी शक्ल ही ऐसी है, बदतमीजी करने का दिल करता है, दिल तो करता है तेरे को एक चमाट मारू। अरे ज्यादा बकवास मत कर, एक तो ताले तुझे भीख दे रहे हैं, ऊपर से ऐसी वाहियात हरकतें करा दू। माफी मांग वरना वरना क्या मारेगा। अबे एक गरीब मजबूर को मारेगा। निबार, निबार, निबार। अबे देखा ब्रो वाले, अरे खयाल चिल्ला रहा है। अबे हमने ऐसा क्या कर दिया? चलो ना चिल्ला रहा है कोई घुसता है तो जगह पे घुसता है, टाइम पे घुसता है। भाई लोगो मेरे लाठी नहीं बोली, तीर तीर बोला है मेरे तीर। तिवारी भैया आपने उड़ता तीर ले लिया। अरे हमने कौन सा तीर, मतलब ऐसा क्या कर दिया यार? चुप मिस्टर तिवारी, आई वॉन्ट टू हैव वियर्ड विथ यू। कम ऑन भाभी जी, हाउ वियर्ड यू वांट इज ऑलरेडी क्वाइट वियर्ड। आप कहना चाह रही आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। हाँ सही पकड़े हैं, कितना अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं आप। पढ़ा लिखा भिखारी हूँ, आई एम क्वाइट टैक्स हैवी आल्सो। ऐसे ना ही होना चाहिए। हाँ ना ही होगा, ना ही होगा, बिल्कुल ना ही होगा। हम वादा करते हैं ऐसा ना ही होगा, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दे दे। पहली और आखिरी गलती माफ कर रहे हैं, आगे कभी ऐसा हुआ तो हम कैंसिल कर देंगे इनका तीर चलाना। वो ऐसा ना ही करेंगे, अगर वो ऐसा करेंगे ना तो हम इनके सारे तीर छुपा देंगे। हाँ मैडम जी थैंक यू। अब रोना धोना बंद, और हमारी नजर आप पर रहेगी मिस्टर तिवारी। तीर चलाना है तो चलाना है यार, बात खत्म हो गई। तेरे रावण को मारने से मुझे क्या फायदा होगा,
तेरे दोस्त की नाक ऊंची होगी, तुझे खुशी नहीं होगी? नहीं, आजकल मैं दुखी रहना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ तो ठीक, तेरी मेरी दोस्ती आज से खत्म, फिनिश। कोई बात नहीं, मैं तेरे बिना जी लूंगा, पूछ कैसे। कैसे? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। दोस्ती से आज भरोसा ही उड़ गया बाय गॉड। और रही बात तिवारी जी की, तो तिवारी जी मैं आपको तीर चलाने दूंगा नहीं, बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं ना आप, सबसे पहले मैं आपकी मर्यादा ही भंग करूंगा। मैंने कहा कि जो चैप्टर है ना ऊपर से पढ़ाया तो इतनी डीप में जाके ना पढ़ो। तो ऊपर से अगर डीप में पढ़ लेते तो हम फिर मतलब घर से पढ़ के आते ना पता होता तो। सक्सेना जी कसम खा के कह रही हूँ, अगली बार रामायण से जुड़े हर सवाल का जवाब ताबड़ तोड़ देंगे। अगर नहीं दिया ना तो हम तीनों अपने गुर्दे छील के कौवे को खिला देंगे। पक्का कौवे को खिलाओगे ना? हाँ हाँ। कल मिलते हैं। हेलो, कौवे ने सुन लियो। अंगूठी के पैर तो है नहीं, क्यों टहलने के लिए निकल गई होगी? अरे होगी, जा रखी हुई है आपने। अरे नहीं है ना, जा रखी थी वहां नहीं है बेटा, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? मम्मी इतनी महंगी अंगूठी चोरी कैसे हो सकती है? अब देखो आप तो अपनी अंगूठी चोरी करोगी नहीं, ठीक है, और मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं आपकी अंगूठी चोरी करके उसे गिरवी रख दूं, सोचने वाली बात। अरे मैं तुझ पे इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। रात को मैं काम कर रहा था तो अचानक एक साया आया, उसने कुछ उठाया और खिड़की से कूद के भाग गया। भाग गया? हा? और बेवकूफ तू देखता रहा, उसे पकड़ नहीं सकता था? मुझे लगा कि आपका साया है, बिकॉज़ वो मोटा सा था। अरे अब इस उम्र में कहां मैं इतनी उछल कूद कर पाऊंगी। इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं था। विभूति है, ओ विभूति है। प्रेम तू क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों आया? अबे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कभी भी कहीं भी हो सकता हूँ। और हाँ, तूने जो मुझे अंगूठी दी थी ना गिरवी रखने के लिए, जिसके लिए तूने मुझसे 1,00,000 रुपया भी मांगा था, बेटा 70 से ज्यादा उसकी कीमत ही नहीं है। हाँ मैं तुझे 50,000 रुपया दे सकता हूँ, वो भी कैश, ये ले। एक मिनट, किस अंगूठी की बात हो रही? मम्मी तुम वो अंगूठी देख नहीं पाओगी, मैंने कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए वो अंगूठी इसके पास गिरवी रख दी। अरे कैसे नहीं देख पाऊंगी, दिखाइए वो अंगूठी। तुम ये देख पाओ, डोंट इंसिस्ट मॉम, व्हाई यू इंसिस्टिंग यार, मत देख, बंदी जाइयो आप, करो जल्दी जल्दी। प्रेम अंगूठी दिखा मुझे। विभूति माँ से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हाँ माँ अगर अंगूठी देखना चाहती है तो देखने देना, ये है वो अंगूठी माँ जी। तू जिंदगी में इतनी गिरीवी हरकत नहीं कर सकता कि अपनी माँ की अंगूठी चोरी करे, है ना? तमीज। तुझे इस वक्त यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी कमबख्त? तूने मेरी कितनी बेइज्जती कराई है, मैं तुझ पे मान हानि का दावा करूंगा। बेटा चोरी की तूने, चाटा खाया तूने, ऊपर से तू मुझ पर केस करेगा। कोर्ट में जज भी तुझे ऐसा ही चाटा मारेगा। हाँ ला मेरे पैसे वापस ला। मैं तुझे ये बाद में वापस करूंगा, अभी मुझे मम्मी को मनाने के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। तू जा। अरे यार ये क्या मुसीबत है, थोड़ी देर पहले मेरे पास बहुत पैसा था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? अरे डॉक्टर साहब, हमारी समझ में आ गया कि हम लगातार क्यों फेल हो रहे थे। हम क्या कि अपनी परीक्षा देने से पहले है ना, आप गुरुजनों का आशीर्वाद ना ले रहे थे। और ना हम अपने दोनों गुरुजी को है ना गुरु दक्षिणा भी देना चाहते हैं। दे दे दे। जे 500 आपके, जे 500 आपके गुरुजी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे अरे डॉक्टर साहब कैसी वादे कर रहे हैं, आप पूरा भरोसा है हमें कि आज के एग्जाम में टीका मलखान टिल्लू कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट। उसने कहा है कि आपको आशीर्वाद भी हम पर बने रहोगे और दक्षिणा भी मिलती रहेगी आप लोगों को। बैठ जाइए बैठ जाइए। तो भाई सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं, रावण के बेटे के बाप का क्या नाम था? एक मिनट यार। हाँ
पहले सवाल ही कठिन पूछ लियो। एक मिनट में कुछ करता। डॉक्टर साहब, आपने तो पहला ही सवाल इतना आसान से पूछ लिया, कोई जरा मुश्किल सा सवाल पूछिए, मजा नहीं आ रहा। दूसरा सवाल। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल पूछता हूँ आपसे। yes! श्री रामचंद्र जी की सेना में कितने वानर थे, कितने रीच थे, उन सब के नाम क्या थे, उनके जन्मदिन यानी के बर्थडेज कब कब आते हैं? ठीक है। कोई भाईचारा में सवाल पूछ लो आप। बहुत बढ़िया, भाईचारे में आपसे जरूर पूछेंगे सवाल। रावण की सेना में जितने भी राक्षस थे, उनके बीवी बच्चों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, आई लाइक इट, लेट्स गो। वह तीर छोड़ेंगे और पटाखे फोड़ेंगे। ये क्या तिवारी भैया, आप तो फैलते ही चले जा रहे हो। एक काम करिएगा आप, जो तीर आप रावण के मारने वाले हैं ना, वो जलता हुआ तीर आप अपने खुद के मार लीजिएगा। आप पैसे वापस कीजिए हमारे सारे। अब आप खुद ही रावण बन गए हैं क्या? रावण गिरी दिखा रहे हैं आप, व्हाट इज दिस? और का आपकी बीबी के गिड़गिड़ाने की वजह से आपकी सारी गलतियां माफ की है ई कमेटी ने। आप तो सर पर ही चढ़ते जा रहे हैं मिस्टर तिवारी। भाई ऐसे कैसे? अरे भाई, इतना बड़ा अमाउंट दिया है, हमारी मानेंगे नहीं क्या? मत मानिए, इनकी कोई भी बात मत मानिए आप, कोई भी बात। लेकिन मिस्टर भरभूति, उनका बात ना ही मानेंगे तो वो पैसे वापस ले जाएंगे। सुमन साहिबा का वोट ये तय करेगा कि कौन तीर चलाएगा। हम चोर वुमन हैं। यो भाभी जी, आप चेयर वुमन हैं। सही पकड़े हैं। और ई मिस्टर तिवारी, ई आदमी हमको असली इशारे कर रहा है, इसीलिए हमरा वोट जाता है प्रभुति जी को। ये ले भाभी जी। हाय दिया, ई वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। हम सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। हम बहुत हर्ट हुए हैं पगली, बहुत हर्ट हुए। हमें तो लगता है कि दशहरा आने से पहले हम जहर खा के टाएं बोल जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, हमरा मत बोलना ही नहीं। और हम भभूति जी को, रावण को तीर मारते नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हमने अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, हम लड्डू के भैया को ऐसे ना ही देख सकते हैं। भाभी जी बस करिए, इतनी बायोलॉजी कहां से सीख ली आपने? एनीवे, ठीक है भाभी जी, मैंने आपको वचन दिया है तो मेरा वचन गीता की कसम। सच? हाँ भाभी जी, सच। दिल पे पत्थर रख के मैं आपको यह वचन दे रहा हूँ भाभी जी कि आपके लड्डू की भैया ही दशहरे के दिन रावण को तीर मारेंगे। तीर भी उनका होगा, धनुष भी उनका होगा, और जिस हाथ से वो तीर मारेंगे वो तीर भी उनका होगा। हाय दिया, हम आपकी बहुत 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 आभारी है। अभी जी चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। तीर तिवारी जी मारे, तीर की नोक पे गेंदे का फूल लगा के। इक्का मजाक है मिस्टर भरभूति, कभी आप बोलते हैं कि हमको तीर चलाना है और कभी आप बोलते हैं कि हम तीर ना ही चलाएंगे। अभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो मेरे घर पे आई थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं इनको तीर चलाने दूं। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप फायर वुमेन पर। अभी जी वो चेयर वुमेन होता है। सही पकड़े हैं, गलत इल्जाम ना ही लगाइए, हम ना ही आए आपके घर। तिवारी जी की बॉडम पत्नी आई होगी। भाभी जी ये कुछ ज्यादा हो रहा है, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं बहुत। जनाब कहीं वो भिखारी आप तो नहीं?
Yes. क्यों? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूं। जो हक तीर चलाने को आपका मिल रहा है ना, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैंने भाभी जी से वादा कर लिया है, उनको वचन दिया है, और मेरा वचन गीता की कसम। मैंने आपकी छवि खराब की है ना तिवारी जी, मैं ही आपकी छवि भी ठीक करूंगा। मैं ही। ये क्या बदतमीजी है, इस तरह से रास्ता रोककर खड़े हो गए? अबे ओ मुंह छुपाए हुए जो भी हो तुम लोग, क्या काम है? जानी, जब हम किसी को तोड़ते हैं तो वक्त भी हमारा होता है और जगह भी हमारी होती है। भाई खात कुमार जी, मैं तो इन दोनों की छाती में मुक्का मार के इनकी छाती के दरवाजे खोल दूंगा। अब देख कर सारो कूटो आक्रमण। अरे अरे अरे, ये आपको किसने धो दिया भाई? मिस्टर तिवारी जी, अ कंसीव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। क्या बोले? बिहेव योरसेल्फ होता है। सही पकड़े हैं। और हम आपको एक बात बोले, ये सब करके आप हमारी नजरों में वापस ना ही उठ सकते हैं। हाँ। अरे भाई, हम तो सिर्फ हालचाल पूछ रहे हैं। अब बस बस, धोखा ना ही दीजिए हमको, हम आपका बेस देख चुके हैं। बेस नहीं, फेस होता पगली। मैडम मैडम, सही पकड़े हैं। इनका असली फेस नहीं देखा आपने? इनका असली फेस नहीं देखा आपने? ये देवता है। अरे सक्सेना जी, मैं जरा क्लिनिक होकर आता हूँ। अरे बैठिए ना डॉक्टर साहब। क्या क्लिनिक? क्या क्लिनिक को भूल जाइए और कमेटी को याद रखिए, दशहरा कमेटी। कमेटी के हम दोनों मेंबर हैं, चंदे में हम दोनों हिस्सेदार हैं, तो मार में भी तो हम दोनों को हिस्सेदारी करनी पड़ेगी ना। आप एक काम करिए, आइए। क्या आइए? मेरे साथ आइए, इधर आराम से है। बस लौंडो शुरू हो जाओ। आ जाओ। ठीक है, मेरी चेन लग गई और मेरे सारे पैसे जल गए। हाँ, तूने मेरा दिल तोड़ दिया प्रेम यार। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मेरी दोस्ती निस्वार्थ है एकदम। तुझे मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया कि तुझे मेरी और तिवारी जी की मदद करनी है। अरे यार, ये क्या मदद करेंगे भभूति जी? तिवारी जी, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं दोबारा फिर लड़की बन के आऊंगा और प्रेम जो है ना, ये गुंडा बन के आएगा और मुझे छेड़ेगा, और आप हीरो की तरह एंट्री देंगे और इसको ढाम ढूम मारेंगे, और जो आपकी इमेज है फिर से दोबारा क्लीन हो जाएगी। क्या बात है भभूति जी, क्या बात है। ऐसे कमीनेपन के आइडियाज देने में जो ना आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ईश्वर की महान कृपा है। बचाओ बचाओ बचाओ, रुक जाओ। तिवारी के बच्चे थोड़ा अज़्ज़ेबार। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को छेड़ने की? लड़की देवी का रूप होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मैंने आपकी बात का ना गलत मतलब निकाला। I'm really sorry। आप तो लड़कियों के रक्षक हैं, आप महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, मुझे छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिए ना प्लीज। आप तो माफी मांग रही हैं, आप तो हमारी बड़ी बहन समान है। नहीं नहीं, मुझे छोटी बहन समझ के माफ कीजिए प्लीज। आप किस एंगल से छोटी बहन लग रही हैं? आप तो बड़ी बहन लग रही हैं। तो हाइट से लंबी हूँ ना, बाकी उम्र में आपकी आधी हूँ। I'm half of your age, you're an uncle। अरे क्या आप लोग बड़ी छोटी चक्कर पड़े। हाँ, तिवारी जी ने कितना अच्छा काम किया, कितना महान काम किया है, उनके बारे में सोचिए। ये तो चेयरवुमन साहिबा बताएंगी। भाई मां यहाँ आ जाइए। बात का फैसला हम करेंगे। यार अभी हमें कैंसिल करवाएगी। हाँ तो बहुत ज्यादा डिसेक्शन के बाद डिस्कशन।
ऐसा ही पकड़े हैं। तो बातचीत के बाद हम ये फैसला किए हैं मिस्टर तिवारी कि आपकी छवि सुधर चुका है और दशहरा पर तीर चलाने का अधिकार हम आपको ही देते हैं। थैंक यू बीबी। का बोले बीबी? भाभी से कि मैं मलखान टिल्लू मतलब इन तीनों के लिए आपने कौन सा करेक्टर सोच के रखा है ये बता दो। वो जो रावण की सेना में सबसे आगे जो खड़े रहते हैं ना मेन राक्षस तुम लोग वही हो। हम जब सबसे आगे खड़े रहोगे तो तीर भाले भी सबसे पहले तुम लोग को ही लगेंगे और पर्दा जैसे ही उठेगा सबसे पहले तुम तीनों की मौत होगी। अब भरभूति जी घर पर है ना? भाभी जी इंसान घर के बाहर जाने लायक रहा है कहाँ? चिढ़ते हैं आप इतना लड्डू के भैया से। हाँ दोस्ती कर लीजिए ना उनसे। जिस दिन सांप और नेवले की दोस्ती हो जाएगी ना उस रोज मेरी और आपके लड्डू के भैया की दोस्ती भी हो जाएगी। आइडिया। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में सांप कौन है और नेवला कौन है? दोनों में जीतता कौन है? नेवला। मैं नेवला हूँ, आपके लड्डू के भैया सांप। ऐसा काहे बोलते हैं आप? खैर छोड़िए, ये बताइए कि क्या कर रहे हैं आपके लड्डू के भैया? लड्डू के भैया ना वो तीर मारने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी आज सालों से तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाभी जी, लेकिन हमारा जो निशाना है ना वो चूक जाता है बार बार। आए राम। नगर निगम के चलते शहर में आवन जावन एकदम दूभर हो गया है। यहां से जाओ तो बंद, वहां से जाओ तो बंद। अंगूरे, अरे गिलास पानी लेके आओ। अंगूरी सुनाई नहीं दे रहा क्या? गिलास पानी लेके आओ। अरे आप समझ। देश को जिताने का इरादा है, इस आगे बढ़ते देश से। गेहूं की जगह चना बेसन बहुत अच्छा विकल्प है, इसीलिए हम आपको ये चना बेसन की बनी हुई चीजें ही खिलाने वाले हैं। वाह क्या बात है। और आपको पता है इससे ना वो क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, हाँ वो भी नियंत्रण में रहता है, मधुमेह और रक्तचाप वो भी कंट्रोल करता है, उसके बाद दिल को तंदुरुस्त रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर की थकान को भी कम करता है। वाह पगड़ी, तुमने और नरेश ने मिलकर हमारी सेहत का काफी ध्यान रखना शुरू कर दिया है। सही पकड़े हैं, अच्छे से खाइए।